हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो ये चूतिए लोग, चूतिए तो हम हैं जो यूट्यूब चैनल ऑन करके बैठे। एक्चुअली ये होशियार लोग, यानी कि नीरव मोदी और विजय माली जैसे बड़े स्कैम करने वाले लोग, जिन्होंने हमारे इंडिया से अच्छा खासा पैसा लेके रफू चक्कर हो गए, जिनका अब तक हम लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन यार, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या वाकई में ये दोनों आदमी या जितने भी वो करूण पांडे लोग थे जो यहाँ से पैसा लेके फरार हुए, क्या उन लोगों ने अकेले सारे कांड किए या हमारे इंडिया के कुछ बड़े बड़े अधिकारी लोग भी उनके साथ शामिल है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, बात करेंगे अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर की। तो इसमें आपको 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 23 मिनट से लेकर 33 मिनट के बीच में ही है। और शो की कहानी एकदम सिंपल है कि भार्गव शर्मा, जिसके मॉम और डैड दोनों ही एक बैंक में काम करते थे, अब इनके पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके बाद हो जाती है उनकी डेथ। तो भार्गव शर्मा रिवेंज लेना चाहते हैं, और वो डिसाइड करते हैं अपने फ्रेंड के साथ कि वो एक फेक बैंक बनाएंगे और बहुत बड़ा स्कैम करेंगे। हालांकि वो हजारों वाला स्कैम नहीं है, वो 100 वाला स्कैम है, लेकिन उस स्कैम को वो किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर कैसे दूसरे जो उनके टीममेट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, फिर उनकी क्या बैक स्टोरी है, प्रेजेंट में वो किस सिचुएशन से जूझ रहे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर शो। क्योंकि ये शो में आपको बैंक स्कैम तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर दूसरे चीज़ों पर भी फोकस किया, जैसे कि लेस्बियंस, जो आज की तारीख में जो लेस्बियन कपल्स है या जो गे कपल्स है, उनको समाज किस तरह से देखता है या वो किस तरह से सोचते हैं कि यार हम लोग इस रिलेशन को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी यहाँ पर कोशिश की है फोकस करने की। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी बंदा अकेले स्कैम नहीं करता, तो उस स्कैम के साथ साथ कौन कौन लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बड़े बड़े बाबास हो, सारी चीज़ों पर भी शो में अच्छी तरह से फोकस किया। ऐसा नहीं है कि ये शो बहुत अच्छा है, ये शो देखने में अच्छा लगता है, बट इस शो में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करते तो यहाँ पर अच्छे खासे कैरेक्टर्स हैं जिनकी सिचुएशंस आपको बताने की कोशिश की, जिस वजह से आप लोग उनसे इजीली कनेक्शन बना पाओ। जो कि सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो कि इसके नेगेटिव पॉइंट में से एक है। पहला नेगेटिव पॉइंट कि जब इस शो को उस विलेज में शूट कर रहे थे, तो आजू बाजू के जो लोग थे ना, वो कॉरपोरेट नहीं करते, मतलब विलेज के जो लोग हैं, तो वो लोग बाकायदा उस शूटिंग को देख रहे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम एज एन ऑडियंस किसी शो को देखते हैं, किसी मूवी को देखते हैं, तो हमको वो रियल लगना चाहिए। ऑल दो हमको पता है कि ये सारी चीज़ें फेक है, मतलब ये एक मूवी है, सीरीज है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग ये मानने को मजबूर हो जाता है कि ये सारी चीज़ें रियल है। तो ऐसे में जब किसी सीन को हम लोग देखो और हमको पता चलता है कि यार ये वाकई में शूटिंग देख रही है ऑडियंस, तो भी फिर वो थोड़ा जो रियलनेस है वो खत्म हो जाते हैं। और वो एक चीज़ आपको इस शो में बहुत ही जगह पे फील होती है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा। समझ सकते हो कि उनका बजट इतना नहीं था, तो इसलिए वो लोग ऐसा शूट नहीं कर पाए जहाँ पे हमको सिर्फ कैरेक्टर्स देखने को मिले, यानी कि विलेज के लोग भी देखने को मिले तो वो उनके क्रू के हिस्सा हो, वैसा नहीं था। मतलब वो समझ में आ रहा था कि वो लोग शूटिंग देख रहे थे, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट लगा। बीजीएम अच्छा है, लेकिन जो सॉन्ग्स है वो अच्छे नहीं है, बकवास सॉन्ग है, ये इसका नेगेटिव दूसरा पॉइंट है। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो यहाँ पर सारे न्यू कमर्स, ऑलमोस्ट लगभग सारे न्यू कमर्स, ये कुछ ऐसे नोन फेसेस हैं जिनको आपने पहले भी शोज में देखा है, जैसे सीरियल्स में देखा है या मूवीज में देखा है, लेकिन मैक्सिमम तो अननोन फेस है। लेकिन एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि भाई सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया, स्पेशली गर्ल्स लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम किया शो में। और अगर आप नेगेटिविटी की बात करूँ, थर्ड नेगेटिविटी की, तो जो शो की लेंथ है, यानी कि 10 एपिसोड तक ये शो मेरे ख्याल से वर्थ वॉच नहीं है। लेकिन अगर आप लोग 10 एपिसोड बना रहे हो, तो ये शो को ख़त्म कर देना चाहिए था, यानी कि पार्ट 2, यानी कि सीजन 2 के लिए इसको बचा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे बड़े बड़े भी शोज आए जो कि स्कैम पर बने, तो उनको जब 10 एपिसोड में ख़त्म कर दिया, तो इस शो को सेकेंड सीजन तक खींचने की क्या ज़रूरत थी, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो यार, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। तो ओवरऑल ये एक टाइम पास शो है जो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, बोरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पार्ट 1 में ख़त्म कर सकते तो ज़्यादा अच्छा होता। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, शो में एक जगह पे किसिंग सीन है, एक जगह पे वन नाइट स्टैंड वाला सीन है, लेकिन वन नाइट स्टैंड वाले सीन को भी कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। आ किसिंग सीन भी वो जो लेस्बियन कपल के बीच में है, तो फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये घर वालों के साथ बैठ के मत देखो, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डबल मीनिंग की या कुछ बैड वर्ड्स का यूज़ किया है, तो उसका थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये आप अकेले देखो ज़्यादा अच्छा है। मैं शो को रेटिंग दूंगा 6.5, आप कह सकते हो 7 भी दे देंगे तो चल जाएगा आउट ऑफ 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो तुम लोग की मर्जी। यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुम जन मैं जा रहा हूँ ऑफिस यार।